हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक वे सभी लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज का वीडियो होने वाला है गाइस सीवी एडिटिंग के ऊपर। तो आप लोगों को स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा कि एक एडिटिंग है, तो उस पर मैंने एडिटिंग किया था, फेस को किया था, हेयर को किया था और थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग किया था। आप लोगों को आज मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सिखा दूंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। और अगर इस चैनल पे आप लोग नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड सब्सक्राइब करने के बाद ही आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। इट इज़ फ्री गाइस, आप लोग फॉलो कर लो एंड मेरे को भाई सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सपोर्ट करो भाई। तो चले गए, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना किसी देरी के। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं होम स्क्रीन पे। तो मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरीके से ना अपने फ़ोटो को इरेज कर सकते हो, इरेज, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को देख सकते हो peakwise.com फोटो इन्हेंसर, तो ये आपको सर्च कर लेना है। एंड ये सर्च करने के बाद आप लोगों को सिंपली उन लोगों का जो मतलब ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको ले जाएगा, एंड आपको सिंपली बैकग्राउंड रिमूवर जो है उस पर आपको क्लिक कर देना होगा, अपलोड इमेज करना होगा। एंड गाइस देख सकते हो आप लोग, सिंपल है, सिंपल सा प्रोसेस है, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। सिंपली आप लोग कुछ इस तरीके से कर लेना, एंड लेने के बाद हो गया यहाँ पे कंप्लीट। एंड इसको मैं कर लूँगा डाउनलोड, तो डाउनलोड हो गया, चलते हैं पिक्सआर्ट पे। तो यहाँ पे गाइस मैं जाऊँगा पिक्सआर्ट एप्लीकेशन पे, एंड उसके बाद अभी शुरू होगा मेन काम। देख सकते हो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ये पिक्चर है, तो सिंपली इसको मैं लूँगा। थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना होगा साइज को, ठीक है, ठीक है, एडजस्टमेंट करना होगा, उसके बाद ही होगा। एंड उसको लेने के बाद थोड़ा सा चमक देना होगा ना, चमक देने के लिए ड्रॉ टूल पे आ जाना होगा। एंड इस पे जाने के बाद आप लोग को सिंपली कलर वाला टूल पे जाना होगा, एंड लोग अपने मुताबिक कलर चॉइस कर सकते हो, रेड अपने मुताबिक रख सकते हो, या तो मैं इसको बैकग्राउंड के कलर के साथ मैच करूंगा। देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर लेना। एंड लेने के बाद आप लोग ब्रश पे क्लिक करना, एंड ब्रश का जो साइज वगैरह है ये थोड़ा सा अपने मुताबिक कर लेना तो अच्छा लगेगा। एंड देन आप लोग चश्मे के अंदर थोड़ा सा चमक देने के लिए कुछ इस तरीके से दे देना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर लेता हूँ धीरे धीरे से, एंड यह पे ये हो गया कंप्लीट। एंड कंप्लीट होने के बाद और एक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे कर लूँगा, तो यहाँ पे ये हो गया, ओके डन। एंड गाइस आप लोगों को सिंपली गाइस मैजिक दिखना पसंद है, तो यहाँ पे मैजिक होगा, आप लोगों को सिंपली वाले पे क्लिक करना होगा। एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा अच्छा चमक आ गया, मतलब एक अलग ही है, प्रोफेशनल एडिटिंग है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया इसको डन, है डन। करने के बाद आप लोग फिर से ड्रॉ वाले टूल पे चले जाना, एंड ड्रॉ पे जाने के बाद आप लोग सिंपली कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना, एंड वैसे ही आप लोग कुछ ले लेना। एंड यहाँ पे मैं इसको थोड़ा स्पीड से करूँगा, तो स्पीड यहाँ पे हो रहा है। एंड होने के बाद थोड़ा सा आपको भी कुछ इस तरीके से कर लेना होगा, मतलब ये ना थोड़ा सा, मतलब क्या ही बताऊँ, देना चाहिए कुछ थोड़ा सा चमकाने के लिए, क्योंकि सीवी एडिटिंग पे ना चमक ही मेन रहता है, तो आप लोग दे देना। एंड देने के बाद यहाँ पे मैं कर लूँगा इसको ओवल ले। आई नो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मतलब सेटिंग उतना चमक नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा किया, आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मेरा ड्रेस ही कुछ ऐसा है, उसमें उतना चमक नहीं आएगा। तो यहाँ पे जितना भी हुआ डन है, प्रोसेस ऐसा ही रहेगा, आप लोग अपने पिक के मुताबिक कर लेना, ठीक है। एंड मैं अभी फेस पे देने जाऊँगा चमक, देख सकते हो गाइस फेस कितना डार्क सा है, इसको मैं करूँगा चमक, करूँगा चमकाने के लिए इसको एड्रेस पे जाना होगा, एंड सैचुरेशन पे जाने के बाद थोड़ा सा कमा लेना, लगभग 17। एंड 17 करने के बाद आप लोग सिंपली ब्राइटनेस को थोड़ा सा 4 या 5 कर लेना,
एंड करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग इरेजर टूल पे, इन्वर्ट। आप लोगों को ये सेटिंग पता ही होगा। एंड इन्वर्ट करने के बाद आप लोग सिंपली हार्डनेस को फुल कर लेना एंड फेस पे अच्छे अच्छे तरीके से देते जाना, ठीक है। सो है ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आप लोग भी कर सकते हो और मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी कर लिया एंड करने के बाद हो गया यहाँ पे डन। एंड डन होने के बाद गए सिंपली मैं और एक बार एजेस में जाऊँगा एंड इसका क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, डिक्रीज, मतलब डिक्रीज नहीं इनक्रीज करूँगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे इतना आई थिंक काफ़ी है। एंड देने के बाद आप लोग सिंपली इसको डॉट रूल पे जाने के बाद ही सेव कर लेना। तो डॉट रूल पे जाने के बाद सेव करने से मेरे को नहीं लगता कि कुछ होगा, लेकिन फिर भी आप लोग इससे अगर सेव करते हो तो आपका पिक्चर HD क्वालिटी पे सेव हो जाता है, ये मेरे को लगता है। तो सिंपली गाइस इसको आप लोग कर लेना सेव। सेव करने के बाद गाइस देख सकते हो तो आप लोग मैं यहाँ पे आ गया। आप लोग देख रहे हो ना स्मार्ट राउंड ब्रिटिश ब्रास। तो सेटिंग को कुछ इस तरीके से रख लेना, ठीक है, फ्लो वगैरह को। एंड गाइस सिंपली मैं हेयर पे ये ब्रास को यूज़ करूँगा। देख सकते हो गाइस मैं कैसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग भी कुछ इस तरीके से ही कर लेना तो आप लोगों का पिक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने के, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे को आप लोग टैग भी करना, ठीक है, टैग करना ज़रूर करना, टैग करना मत भूलना। एंड यहाँ पे ये हो गया। एंड हो जाने के बाद आप लोग सिंपली फेस को थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए देख सकते हो स्मार्च वेब ब्रश। एंड सेटिंग को कुछ इस तरीके से रखने के बाद ब्रश को अच्छे अच्छे तरीके से चलाते जाना, ठीक है। सो जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपको भी उस तरीके से करना होगा, ठीक है, अच्छे से करना, क्योंकि ये ना डिफ़िकल्ट है। ऑटो डेस्क स्केच बुक चलाना ना बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर लेना। एंड करने के बाद आप लोग सिंपली देख सकते हो मैं यहाँ पे गाइड्स पे क्लिक करूँगा एंड राउंड वाला जो शेप है ना इसको ले लूँगा। एंड लेने के बाद थोड़ा सा ना मतलब काट वाट लगाने के लिए हेयर पे ये मैं करूँगा। आप लोग भी कर सकते हो इजीली गाइस। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये है स्मार्ट सॉफ्ट राउंड ब्रश नाम का। आप लोगों को सिंपली गाइस देख सकते हो इस तरीके से कर लेना है, ठीक है। तो पीक बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। तो गाइस देख सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने लाइट्स वगैरह को सिंपली लाइट रूम पे आने के बाद ही एडजस्टमेंट किया, मतलब दे दिया था। तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा स्पीड पे था तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको छोटा कर दिया, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लिया। आप लोग चाहो तो इसका स्पीड को कम करके देख सकते हो। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। और गाइस यहाँ पे आने के बाद आप लोग विग्निटी या क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेना, पिक बहुत ज़्यादा शानदार लगेगा दिखने में। तो गाइस आज के लिए इतना ही था वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।